Question. Question ठीक है तो सल्यूशन फोर क्या बोला उसमें वाटर इज बीइंग पोल्ड ऑन ए सिलेंड्रिकल वेसल एट द रेट ऑफ वन मीटर क्यूब पर मिनट एक वेसल हैज़ है सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस थ्री मीटर ठीक है तो मान लिया सिलेंड्रिकल वेसल कुछ ऐसे है ठीक है और जिसका बेस रेडियस ये कितना है थ्री मीटर ये ठीक है और इसमें वॉल्यूम जो डाला जा रहा है ये ठीक है जो वाटर पोर किया जा रहा है ये ठीक है उसका रेट क्या हो गया डी वी बाई डी टी कितना हो गया वन मीटर क्यूब पर मिनट ठीक है भैया मीटर क्यूब देखते ही पता लग जाएगा कि ये वॉल्यूम का रेट चेंज है क्योंकि वॉल्यूम का ही डायमेंशन मीटर क्यूब होता है वैसे भी ये ठीक है फाइन द रेट एट विज द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग इन द वेसल ये ठीक है तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान लिया कि जो हाइट है वो कितना है एच ये ठीक है तो इफेक्टिवली क्या दे रखा है इसने वी का रेट चेंज दे रखा है एच का रेट चेंज पूछा है तो बस वी और एच को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन चाहिए तो बहुत ईजी है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम तो इस वाले केस में जो आर है वो कॉन्स्टेंट है आर चेंज नहीं हो रहा है तो अगर आर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू रख सकते हैं ये ठीक है आर का वैल्यू कितना है थ्री तो रख दिया यहाँ पे तो नाइन इंटू एच इसको बस सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी वी वाई डी टी इज इक्वल टू नाइन पाई इंटू डी एच वाई डी टी ठीक है तो डी वी वाई डी टी कितना है वन मीटर क्यू इज इक्व टू नाइन पाई इंटू डी एच वाई डी टी तो हाइट का रेट चेंज कितना हो गया वन अपॉन्ट नाइन पाई मीटर पर मिनट ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी मिनट इन्वॉल्व है तो आंसर भी मिनट में आएगा बस यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन फिर द सैंड इज़ बीग पोर्ड ऑन ए लेबल ग्राउंड सच द शेप ऑफ ही पी इज ऑलवेज ए राइट सर्कुलर कोन विद सेमी वर्टिकल एंगल एज थर्टी डिग्री द रेट ऑफ पोरिंग इज हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट ओके okay. तो ये है क्वेश्चन नंबर फाइव तो सॉल्यूशन फाइव ठीक है उसने क्या बोला कि ऐसे ही राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म फॉर्म में है और इस तरीके से पोर किया जा रहा है कि ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल वर्टिकल एंगल सेमी मतलब आधा तो आधा वर्टिकल एंगल कितना है थर्टी डिग्री तो टाइम के साथ क्या होगा ये रेडियस भी चेंज होगा ये ठीक है और ये हाइट भी चेंज होगा ये ठीक है बट वो इस इस हिसाब से चेंज होगा कि ये एंगल हमेशा मतलब हाइट मान लिया चेंज हो गया थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और रेडियस यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ठीक है थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट कोन बनना है पोर करते रहेंगे तो बट ये एंगल फिर भी कितना रहेगा थर्टी डिग्री रहे ठीक है ये बोला एक तो और उसने व, वॉल्यूम का रेट चेंज कितना बोला है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बोला है शायद हाँ हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट फाइंड द रेट एट विच द रेडियस स्लैंट हाइट ये ठीक है हाइट तीन पार्ट इज चेंजिंग एट टी इज इक्वल टू टेन मिनट कोई नहीं तो टी इज इक्व टू टेन मिनट पे चाहिए स्लैंट हाइट मान लिया ये एल ठीक है तो रिलेशन लिख लिया हमने सबसे पहले तो अगर ये थर्टी डिग्री है किसी भी एक वेरिएबल में सब कुछ लिख लिया ऐसे भी कर सकते हैं ये ठीक है तो जैसे टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा ये ठीक है आर अपॉन एच तो वन बाई रूट थ्री इज इक्व टू आर बाई एच या फिर एच कितना हो जाएगा रूट थ्री आर तो सब कुछ आर के टर्म्स में लिख लिया मान लिया हमने दूसरा एल कैसे निकल आएगा उसके लिए कुछ भी लिख लिया साइन थर्टी डिग्री लिख लिया साइन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा आर अपॉन एल दिस इम्पलाइज हाफ इज इक्वस टू आर अपॉन एल दिस इम्प्लाइज एल इज इक्व टू टू आर ठीक है तो एच वी आर के टर्म्स एच वी आर के टर्म्स में आ गया एल वी आर के टर्म्स में आ गया तो वॉल्यूम कितना होगा इसका वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच विच इज पाई बाई थ्री आर स्क्वायर और एच को आर के टर्म्स में लिख लिया रूट थ्री आर विच इज़ इक्वस टू पाई बाई रूट थ्री इन टू आर क्यू सही है ओके okay. क्वेश्चन में क्या दे रखा है टेन मिनट ही दे रखा है ना? हाँ कंसिस्टेंट है मतलब ये भी टेन मिनट में ही दे रखा है उसने डी वी वाई डी टी दे रखा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं हर मिनट अगर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो टेन मिनट में कितना आ जाएगा थाउजेंड सेंटीमीटर की। तो जिस स्टैंड पे पूछा गया है उस स्टैंड पे वॉल्यूम क्या होगा थाउजेंड मीटर क्यूब ठीक है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि v नोन है ये ठीक है मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेन t इज इक्वस टू तो टेन मिनट दिस एम्प्लाईज v इज इक्वस टू हंड्रेड इन टेन विच इज इक्व टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा उस इंस्टेंट पे ठीक है तो जिस इंस्टेंट पे हमें रेट चेंज ऑफ रेडियस हाइट स्लाइंट हाइट ये सब निकाला है उस इंस्टेंट पे हमें वॉल्यूम पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सब कुछ ये जो लिखा हुआ है ना पाई बाई रूट थ्री आर क्यू इसमें ऐसे लिख लें इसको वी रूट थ्री अप पाई ये ठीक है होल डेस्ट पर वन बाई थ्री ऐसे हो गया अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्व टू वन बाई थ्री वी रूट थ्री पाई ये ठीक है या फिर इसको और ऐसे लिख लिया रूट थ्री अपॉन पाई होल रेस्ट पर वन बाई थ्री ये अलग कर दिया और वी रेस्ट पर वन बाई थ्री अलग कर दिया तो डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा ईजी पड़ेगा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट अलग निकाल दिया वेरिएबल पार्ट अलग निकाल दिया ये ठीक है ठीक है अब करो डिफ्रेंशिएट तो कांस्टेंट तो रूट थ्री अपॉन पाई होल रेस्ट पार वन बाई थ्री ये कैसी रहने दिया वी रेस्ट पार वन बाई थ्री को डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा वन बाई थ्री वी रेस्ट पार माइनस टू बाई थ्री ठीक है इंटू डी वी बाई डी टी ये आ गया ठीक है तो डी आर बाई डी टी कितना आ गया रूट थ्री अपॉन पाई का क्यूब रूट इन वन बाई थ्री उस इंस्टेंट पे वी कितना है वी है थाउजेंड रेस टू बार माइनस टू बाई थ्री और डी वी वाई डी कितना दे रखा है डी वी वाई डी दे रखा है हंड्रेड तो ये आ जाएगा हंड्रेड ठीक है तो दिस इज इक्व टू रूट थ्री अपॉन पाई रेस्ट टू बार वन बाई थ्री वन बाई थ्री थाउजेंड इस इस वाले तीन को अंदर ले गए तो थाउजेंड का क्यूब रूट कितना आएगा टेन तो टेन का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये वन अपॉन हंड्रेड आ जाएगा और ये हंड्रेड आ गया तो ये और ये कैंसिल हो गया तो फाइनली ऐसे आ गया थ्री रेस्ट पर वन बाई थ्री सॉरी थ्री रेस्ट पर वन बाई सिक्स यहाँ से स्क्वायर रूट आएगा और ये वन बाई थ्री पाई रेस्ट पर वन बाई थ्री इन वन अपॉन थ्री तो दिस इज इक्व टू वन अपॉन पाई रेस्ट पर वन बाई थ्री इन टू थ्री रेस्ट पर फाइव बाई सिक्स ये आंसर आ गया तो डी आर बाई डी टी यह आ गया ये ठीक है इतना सब कुछ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पर मिनट ये ठीक है ये आंसर आ गया